जैसे कि कल है दशहरा और मैं बना रही हूँ अपना नेपाली डिश सेल रोटी, और क्योंकि मैंने कल भाभी और को भी खाने पे बुलाया है तो उनको मैं नेपाली ड्रेस जो है नेपाली डिश जो है ट्राई कराना चाह रही हूँ। तो मैंने वो सारा बैटर तैयार करके रख दिया है। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 से ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट मुझे 1 बज जाएगा बनाते बनाते। बट इज़ ओके। और ये है मेरा एक ये बैटर, और एक्चुअली ये मेरा दूसरा वाला है जो रेडी हो चुका है। इसको मैंने 2-3 घंटा हो गया है सोख करके रख दी थी। थोड़ा इसमें मैंने बनाना डाल दिया है। अभी इसमें मुझे ड्राई कोकोनट्स डालने हैं और थोड़ा सा सूजी डालूंगी। और ये रहा वो कढ़ाई, इसमें मैं बनाऊंगी सील रोटी। सो कैसे बन के आता है आई विल शो यू, वो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, मेरी बन गई है सेल रोटी, पहली सेल रोटी। देखिए गाइस हम इसको कैसे बनाएंगे। इसे सर्कल करके ऐसे ये बन गया हमारा परफेक्ट। अब ये पूरा सर्कल में आ गया है, इसको देखिए पूरा वो बन गया। इसको थोड़ी देर के लिए पलट देते हैं तो फाइनल लुक ये ऐसे आएगा। फाइनली मेरी सेल रोटी तैयार हो गई है। ये है हमारा ट्रेडिशनल फूड और अभी बज रहे हैं रात के 1:30। तो देखिए मेरा दशहरे का हमारा ट्रेडिशनल स्वीट तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको कल खाएंगे चटनी के साथ, जो कि आलू की चटनी होती है। और जो मेरे थोड़े गेस्ट आ रहे हैं उनको भी मैं टेस्ट कराऊंगी। तो अब सब अभी किचन, ये सारा किचन जो है मुझे क्लीन करना है। ये सब क्लीन कर करके थोड़ा सा कर लिया है, थोड़ा सा रह गया, ये सब क्लीन करके फिर रेस्ट करेंगे और मिलते हैं कल दसई में। हैप्पी दशहरा वंस अगेन। बाय बाय गाइज, अगेन वेलकम टू माई चैनल रुचि सावन। सबसे पहले तो आप सभी को जो है हैप्पी दशहरा। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो सब पे लाई मेरो तरफ बटी, मेरो परिवार को तरफ देखी है दसाई को हार्दिक शुभकामना छ। सो गाइज, आज जो है हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इसीलिए मैं जो है आज नए लुक में भी आई हूँ। मैंने मतलब न्यू गाउन नहीं खरीदा था, वो भी आज मैंने ही नया ड्रेस पहना एक्चुअली। और ये बहुत शॉर्ट ब्लॉग मैं बनाऊंगी, जो कि आज शाम को ये मैं अपलोड कर दूंगी कि हमने दशहरा कैसे मनाया, कैसे नहीं मनाया, कैसे क्या क्या हम करते हैं और क्या क्या हम। और एक पर मैं जो है हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि मैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ के फ्रेश होके पूजा करके सारा काम करके फ्री हो गई थी। बट जो मेरे हस्बैंड थे वो थोड़ा, उनको बहुत लेजीनेस हो रहा था, तो मैंने कहा कि फटाफट से आप बात लो, बिकॉज़ जब तक हस्बैंड पूजा नहीं करेंगे, जॉ नहीं कटेंगे, तो वो सारा काम नहीं होना था। उतनी देर में है मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं तो हम आगे का काम करते हैं। तो ये है मेरे जो कि मैंने नवरात्रों में लगाए थे। और नवरात्रों में एक्चुअली मैंने ये जौरा डाले थे, क्योंकि हमारे दशहरे के दिन दसई में ये जौरा काट के पूजा की जाती है। यहाँ मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, मैं उनको बता रही थी कैसे कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी तो पूजा करते हैं वो, तो उनको समझाना पड़ता है। तो मैंने उनको कहा कि पहले पूजा करके ये जौ हैं इनको कट करो, इनको कट करने के बाद जो है थोड़ा सा इनको प्लेट्स में रखो, प्लेट में रखने के बाद जो है थोड़े भगवान जी को चढ़ाने हैं, और फिर उसके बाद जो है हम जो जैसे कि पहले भगवान जी को चढ़ाए, फिर उसके बाद जो है हमने जो जौ है वो हम दरवाजे मेन दरवाजे पे भी लगाते हैं। तो दरवाजे पे मेन दरवाजे पे लगाने के लिए बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ा, बड़े ही मुश्किल से ये जौ को जो है हमने पेस्ट किया। फिर ये था सेल रोटी जो कि मैंने कल पिछली रात बनाई थी। ये हमारा स्पेशल स्वीट फूड होता है, दशहरे के दिन हम ज़रूर बनाते हैं, और जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं उनको हम ये प्रसाद के रूप में देते हैं खाने को। फिर प्रज्वल भी आ गया था दसई का टीका लगाने के लिए, तो उसको एक एक करके सारे फ्रूट स्वीट्स दे रहे थे। फिर इसमें हमारा ऐसे ही होता है, देखिए टीका लगाया जाता है पहले, फिर उसके बाद जो है खूब सारा आशीर्वाद दिया जाता है बच्चों को, फिर ये जौ दिए जाते हैं, और फिर मिठाई खिलाई जाती है, फ्रूट खिलाए जाते हैं, नारियल खिलाया जाता है, और फिर बाद में पैसे भी दिए जाते हैं। फिर आती है मेरी बारी, तो सबसे पहले पतिदेव मुझे आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागन हो बोलते हैं कि सबसे पहले मैं अपने लिए ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो फिर उसके बाद जो है हमने हंसी मजाक करते हुए टीका विका का काम ख़त्म किया, तो इन्होंने मुझे बड़े प्यार से मीठा खिलाया। उसके बाद फिर मैंने भी अपनी दक्षिणा मांगी, मैंने कहा खाने की आइटम बाद में देना, पहले मेरी दक्षिणा दे दो। फिर उसके बाद बोले कि मुझे भी बहुत भूख लग रहा है, मैं भी थोड़ा सा खा लेता हूँ, नहीं तो फिर अभी गेस्ट आ जाएंगे तो नहीं खाने को मिलेगा, तो तुम लोगों को खिला खिला के मैं थक गया हूँ, इसलिए मुझे भी भूख लग रहा है तो मुझे भी खिलाओ बोले। तो फिर थोड़ी ही देर बाद जो है हमारे गेस्ट लोग भी आ गए थे।
ये क्या है? भी ये देखो। देखिए, ये बड़े शर्माती आजकल की लड़कियां। हटो हटो, ये नमस्ते, देखो नमस्ते। भाभी जी हमारी, हमारे नमस्ते। स्पेशल गेस्ट हैं ये। ये हमारे देसाई के नमस्ते। स्पेशल नमस्ते। गेस्ट हैं। गेस्ट मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं ये तो अपने, ये लोकल है, ये वीआईपी लोकल गेस्ट है, वीआईपी आर्मी मैन नहीं समझ लेना इनको, इनकी आर्मी पैंट देख के। चलिए सर बैठिए, पीछे स्टार्ट कर दिया। ओके सो गाइस, हमारा खाना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सारा बन ही गया है। ये देखिए, इधर मेरा पनीर का सब्जी है, हाँ, और इधर छोले हैं, और ये मेरा राइस है, और ये चटनी है। चटनी में लास्ट रह गया है वो, देखो तो चटनी तो दिखा दो। हाँ आज गाड़ी पूजा नहीं हुआ, आज नहीं होगा, दिवाली पे होता है। अब इसको फाइनल टच रह गया देने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया सरसों का तेल, और इसमें डालेंगे थोड़ा मेथी खाएंगे मेथी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब जब हम खाएंगे तब बताएंगे आपको कैसा था। तब तक के लिए बाय बाय। ये है मेरी फैमिली जो कि हिमाचल में रहती है, मेरे मायके साइड के। तो सभी ने बहुत अच्छे से जो है दशहरा मनाया है, और हम लोगों ने भी बेंगलोर में रह के अच्छे से मनाया है। और ये है मेरे इन लॉज, इन्होंने देहरादून में रह के बहुत अच्छे से, ये लोग मतलब वहाँ तो पूरा ही हमारे रिलेटिव्स हैं, तो सभी ने बहुत अच्छे से जो है ये दशहरा मनाया। बिकॉज दशहरा जो है हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है, और हम सब जो है परिवार वाले एक साथ मिलकर इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बट हम लोग तो फैमिली से दूर हैं, तो हम लोग बस पिक्स ही देख सकते हैं, और पिक से एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। अगर गाइस यू लाइक माय ब्लॉग, सो दशहरा ब्लॉग, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।